दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस में बढ़ता इन्फ्लेशन इंडिया के आईटी सेक्टर को कैसे इफेक्ट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महंगाई घटती और बढ़ती रहती है, और महंगाई का बढ़ना ही एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि यूएसए में इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, जो कि यूएसए को तो इफेक्ट कर ही रही है, लेकिन साथ साथ इंडिया के आईटी सेक्टर को भी काफी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की एक कंपनी इंफोसिस के ग्लोबल रिवेन्यू का 61.4% शेयर यूएस से आया था और 25.2% यूरोप से। इंडियन नेशनल कंपनी विप्रो के टोटल रिवेन्यू के 52% शेयर के लिए यूएसए जिम्मेदार है। टीसीएस के लिए भी सेम वैल्यू वैलिड है, और उनके टोटल रिवेन्यू का लगभग 52% शेयर नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि इंडिया के आईटी मेजर को यूएसए की इकोनॉमी से काफी फर्क पड़ता है। यूएसए की इकोनॉमी सिचुएशन डायरेक्टली इन कंपनीज के प्रॉफिट रिवेन्यू और इंडिया के एक्सपोर्ट को इफेक्ट करती है। इसे डिटेल में समझो। यूएसए में बढ़ा हाई इन्फ्लेशन अपने सेंट्रल बैंक को फोर्स करेगा कि वो अपनी मनी सप्लाई कम करे और अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। बढ़ते इंटरेस्ट का डायरेक्ट नुकसान उन इंडियन कंपनीज को होगा जो यूएसए को सोर्स ऑफ फंड की तरह यूज करती हैं, क्योंकि हमेशा से ही इन मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट इंडिया के मुकाबले कम रहे हैं। हाई कॉस्ट ऑफ फंड मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लेस रेवेन्यू और लेस सर्विस एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। वहाँ यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन, क्योंकि इंडिया बहुत सा रॉ मटेरियल यूएसए से इंपोर्ट करता है, मतलब इस रॉ मटेरियल से बनने वाली चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इस वजह से आरबीआई को भी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ेगा, यानी इंडिया में भी लोन लेना इंडियन कंपनीज के लिए हो जाएगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन रिस्की सिनेरियोस को देखते हुए इंडियन आईटी कंपनीज अपनी नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कट डाउन भी कर सकती है, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और ऑपरेशन के क्लाउड माइग्रेशन जैसे क्रिटिकल डेवलपमेंट भी स्लो हो सकते हैं, और इसका सीधा असर इंडियन आईटी कंपनीज के रिवेन्यू ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन और प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ सकता है। दोस्तों आपने रूपी के एक्सचेंज रेट की न्यूज तो जरूर सुनी होगी। यूजुअली वीक रेट का बेनिफिट एक्सपोर्ट्स को मिलता है, और इंडियन आईटी सेक्टर तो मेजर एक्सपोर्टर है, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते इंडियन आईटी कंपनीज भी वीक रूपी का बेनिफिट लेने में नाकाम हो रही हैं। लेकिन दोस्तों सिचुएशंस कितनी भी डार्क क्यों ना हो, इंडियन आईटी फर्म्स इसको अपने फेवर में बदलने की क्षमता रखती हैं। इन्फ्लेशन के चलते यूएसए में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ने लगे हैं, बेसिकली हायर वेजेस, हायर रेंट, हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एसेट्रा। इसके चलते कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंडिया की तरफ काम आउट ऑफ सर्विस किया जा सकता है, और टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपनीज को फायदा देखने को मिल सकता है। सो दिस इज क्लियर, द वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन इंडिया। वाले मुश्किलें जितनी भी आए, लेकिन अगले 25 साल भारत के होने वाले हैं, और इस सपने को सच करने के लिए भारत के हर एक व्यक्ति को जी तोड़ मेहनत करनी होगी, ताकि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।